देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में उत्कर्ष सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विशाल तिरंगा सम्मान यात्रा निकाली गई, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत उमरिया जिला की मानपुर इकाई में विशाल तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, महाविद्यालय के छात्र छात्राएं एवं आम जनमानस के लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यह 5 किलोमीटर दूर की तिरंगा सम्मान यात्रा मानपुर के स्टेडियम से शुरू होकर नगर के मुख्य मार्गों से होकर बस स्टैंड में तिरंगा यात्रा का समापन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सरोल विभाग संयोजक देवेंद्र पनिका एवं समस्त लोगों की मौजूदगी में हुआ। वही जिले के बिरसिंहपुर पाली में भी उत्कृष्ट सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा बस स्टैंड से आरम्भ होकर कालरी ग्राउंड पहुंची, जहाँ तिरंगा यात्रा का समापन हुआ एवं तिरंगा यात्रा में आकर्षण का केंद्र 100 मीटर दूर तिरंगा रहा, जिसे छात्र छात्राएं हाथों में थाम कर चल रहे थे एवं इसके आगे भारत माता के जयकारे लगाते हुए कार्यकर्ता उनके आगे चल रहे थे। इस दौरान तिरंगा यात्रा में कन्या विद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, विरासनी इंस्टीट्यूट सहित शहर के सभी छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वही तिरंगा यात्रा के दौरान संगठन के लोगों सहित छात्र छात्राएं एवं स्थानीय लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। पेश उमरिया से संकट सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। हैप्पी रिपब्लिक डे हमारे द्वारा पाली नगर में तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसने जगह जगह पर सभी घरों ने स्वागत किया। यह हर साल निकाला जाता है और 26 जनवरी को लाल किले में देश के गद्दारों द्वारा तिरंगे के अपमान किया गया, जिसमें देश में आक्रोश है। मैं देश के गद्दारों को यह चुनौती देती हूँ कि जहाँ भी तिरंगे का अपमान करेंगे, वहाँ पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता देश की बेटी अपने प्राणों का बलिदान करके भी तिरंगे का सम्मान करेगी। वंदे मातरम। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा मानपुर में विशाल तिरंगा सम्मान यात्रा निकाला गया, जिसमें कि मानपुर के महाविद्यालय, विद्यालय, व्यापारी गण, सामान्य जनमानस अपनी सहभागिता प्रदान की है। हम सभी को मालूम है, हम सभी ने देखा है, हम सभी दुखी भी हैं कि किस प्रकार से चंद गद्दारों के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में लाल किले में तिरंगे का अपमान किया गया। हम सभी उस घटना से बहुत ज्यादा आहत हैं। हम सभी के मन में दुख है, हम सभी के मन में एक खेद है कि तिरंगे का अपमान भारत देश में कैसे हो सकता है। पर उसी तिरंगे के सम्मान के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मानपुर इकाई के साथ मिलकर एक विशाल तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन करती है। यह तिरंगा यात्रा उन गद्दारों के लिए एक संदेश है कि आप देश के किसी भी कोने में तिरंगे का अपमान करेंगे, उसके सम्मान के लिए लाखों करोड़ों युवा, लाखों करोड़ों पूरे देश के देशवासी इस तिरंगे के सम्मान के लिए सदैव तत्पर हैं। अगर जरूरत पड़ी तिरंगे के सम्मान के लिए अपने प्राणों को बलिदान करने के लिए, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का भारतीय समाज अपने प्राणों को बलिदान करके भी तिरंगे का सम्मान करेगा। हम देश के उन गद्दारों को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप अपने इन हरकतों से बाज आइए, आप ऐसे षड्यंत्रों को अब बंद करिए। अब देश आपके इन षड्यंत्रों को, तिरंगे के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब अगर आप कहीं पर भी तिरंगे का अपमान करेंगे, तो देश की जनमानस उस तिरंगे के सम्मान के लिए अपने हाथों में कानून लेते हुए आपको सजा देने के लिए बाध्य होगी। नगर के प्रतिष्ठित लोगों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में सभी लोग सम्मिलित हुए और एक चेतना, एक नव युवक लोगों ने एक नई ऊर्जा का संचार किया कि हमारा गणतंत्र किस प्रकार से है, हमारा संविधान क्या है, इसके बारे में हमने तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक वो दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मानपुर इकाई द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें वहां के महाविद्यालय एवं विद्यालय के छात्र उपस्थित रहे। यह तिरंगा यात्रा लाल किले में हुए
तिरंगा के अपमान के विरोध में निकला है। ऐसे ही जहां भी हमारे तिरंगा का अपमान होगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता अपने प्राण न्यौछावर कर इस तिरंगे का सम्मान करेंगे। भ्रमण करते हुए विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें पूरे नगर से युवा कार्यकर्ता शामिल हुए और एक गणतंत्र दिवस का संदेश देते हुए युवाओं ने पूरे नगर में भ्रमण यात्रा निकाली। देखिए, भारत का तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में और दीगर संगठनों के भी तत्वाधान में गणतंत्र दिवस को साक्षी मानते हुए तिरंगा सम्मान यात्रा पूरे जिले में निकाली जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम जो आज हमारे नौजवान हैं, युवा पीढ़ी है, उनके मन में हम तिरंगे के प्रति सद्भावना और सम्मान की भावना जगा सकें और देश प्रेम जो है उसको सर्वोपरि रखते हुए हम सांकेतिक रूप से तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों में जनजागरण।